अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक कंप्लीट करा दिया था। आज जो हमने पढ़ना है वो सेलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा, आप इसको लर्न भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज जो हम पढ़ेंगे वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा पढ़ा दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है, देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब क्या है। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स हमने ऑर्गेनिजम्स को कितने के अंदर डिवाइड किया है, कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, कितने कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड किया है, वो सारा हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। कि हमारे पास हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल्स होते हैं, ट्रू सेल्स न्यूक्लियस किन के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉल्स न्यूक्लियस किन के अंदर प्रेजेंट होता है, यूनिसेलर कौन से होते हैं, जिनके अंदर एक सेल होता है, किसी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो अब ये सारे जो सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन को जो अलग अलग ग्रुप में हमने प्लेस किया वो कैसे किया हुआ है, वो इस प्रोसेस के है कि हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग हमने ग्रुप्स में रखा हुआ है और जिनके नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट है, किसी में एक है, किसी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब देखो जो सबसे पहले हमारा बुक में है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है। उसमें से 5 मेजर ग्रुप्स कौन से हैं, प्रोटिस्ट हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। अब ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो भी हैं, क्या कहते हैं ना, 5 किंगडम्स भी हैं, कि हमारे पास प्रोटोक्टिस्टा भी एक किंगडम है, एनिमेलिया, फंजाई और प्रोकैरियोट्स, ये भी हमारे पास किंगडम्स है, ठीक है। अब ये किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यहाँ बाद में पढ़ोगे, फिलहाल हमें सिर्फ इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं इनके अंदर सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटोक्टिस्ट हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, एनिमल्स में आपको पता है एनिमल्स में नॉर्मल एनिमल्स आएंगे, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब देखो जो प्रोटोक्टिस्ट हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई हैं, ये सारे जो है ना इनके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने ये डिवीजन नंबर ऑफ सेल्स पे की है, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हमने सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को किन किन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन सी कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया वो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब देखो प्रोटोक्टिस्ट हैं और एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, इन ये जो है ना इनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंस है वो कौन से सेल्स प्रेजेंस है, वो यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंस है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बोलोगे आप ये यूकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने 5 मेजर ग्रुप्स पढ़े, उसमें से सबसे पहले प्रोटिस्ट, एनिमल्स, फंजाई, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। प्रोटिस्ट, एनिमल्स और फंजाई जो है वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन न्यूक्लियस। देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ना, इनका प्रो मतलब फॉल्स होता है, इनके अंदर फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखो न्यूक्लियस मेन चीज़ है सेल का, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर वो सही से प्रॉपर फंक्शंस प्रिपेयर नहीं कर सकता। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स, अब आप बोलोगे ना कि आप हमने सामने बता दिया कि हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स हैं, प्रोटिस्ट से, एनिमल्स हैं, फंजाई और प्रोकैरियोट्स हैं। अब जो शुरू के जो 3 हैं वो इनके अंदर हमारे पास वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप बता नहीं पाओगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज 1 एंड नॉट 2 क्रोमोसोम्स। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक ही होता है और इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, प्रॉपर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। अब ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल ले लें, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू से पीछे पूछा भी जा सकता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 26 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, देखो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ठीक है। ये हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे पास किससे बने हुए होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं,
और इनके ऊपर क्या होते हैं, ये डॉटर्स जो मैंने बनाई है, जीन्स है, ये जीन्स क्रोमोसोम्स क्या करते हैं हमारे अंदर, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर जैसे कि हमारे पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड होकर न्यू बेबी के अंदर जाते हैं, तो उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या करते हैं, ये जीन्स को कैरियर करते हैं, जीन्स को एक जीन्स जो है ना, जीन्स को हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर उनके जीन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होगा, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और ये जीन कैरियर्स होते हैं, जीन इनके थ्रू क्रोमोसोम्स के थ्रू हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। अब हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉल्स होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ही होगा, ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। और देखो यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अब मोर देन वन, बहुत सारे भी हो सकते हैं। हमने ह्यूमन बींग की एग्जांपल ले ली, हमारे अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखो ये कॉमन सी बात है, मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, ठीक है। ये न्यूक्लियस है ना, अगर इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो लाइन है, ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इनके अंदर तो न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है, और इसके एग्जांपल्स में एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि एनिमल्स के अंदर भी हमारे पास मैमल्स हैं बहुत सारे, और प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स हमारे पास कौन से हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि प्लांट है जो हमारे पास फंजाई है, एनिमल्स है प्रोटिस्ट है, ये सारे हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो हमारे पास कौन से हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे एक और ग्रुप आएगा प्लांट्स का, ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स भी आएंगे, ठीक है। अब हो गई ये 5। अब इसमें भी देखो ये जो प्लांट्स हैं ये भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं, क्योंकि हमने यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल में प्लांट्स को पढ़ा, ठीक है। इनके अंदर भी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इनके अंदर क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स जो हमारे पास ग्रुप है, इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने हुए होंगे, और क्या होगा, उनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और इसकी एग्जांपल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा फिर से मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। हमने सेलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ा, ठीक है। सेलर ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में हमने क्या किया, देखा कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सेल्स हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स के अंदर, तो वो 5 मेजर ग्रुप्स कौन से हैं, प्लांट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। इसके अंदर देखो जो प्लांट्स, प्रोटिस्ट, एनिमल्स और फंजाई हैं ना, वो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं, व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो आप उसको बता देना, और उसकी एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए, उसके बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो हमारे पास इनका नेक्स्ट डिफरेंस क्या था, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इनके अंदर प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एग्जांपल ली हमने ह्यूमन बींग्स की, हमारे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 हमें फादर से मिलते हैं, 23 मदर से मिलते हैं, और ये दो कंबाइंड होकर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और 46 जब मिल जाते हैं तो हमारे पास एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके अंदर हमारे पास जीन कैरियर्स होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ये समझ भी आ गया, क्योंकि न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, जब इसके अंदर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, नहीं होगी ना, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है। और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और इसके एग्जांपल में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है, और इसकी एग्जांपल में एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है ना, अब हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स ये थे, और इनके अंदर हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है,
अकॉर्डिंग टू सेलर ऑर्गेनाइजेशन, अब हमने उन सेल्स को 3 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को हमने और भी ज़्यादा इसमें डिवीजन किया नंबर ऑफ सेल्स के डिपेंड करके, ठीक है, उस पर हमने किया। कैसे किया? अब ये जो फर्स्ट है वो जो हमारे पास लिखी हुई है वो है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? हमने पहले पढ़ा कि मेन जो हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स ये हैं, उसमें से ये कुछ यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। उसके बाद जो हमने कैटेगरीज 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, उसमें जो फर्स्ट है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, यूनि मतलब वन होता है, ठीक है। अब देखो यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ जिनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होगा और वो एक ही सेल हमारे पास सारे फंक्शंस को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेगा, लेकिन वो एक ही सेल करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। इसको इसलिए हमें क्यों कहते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स। और इसकी एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? अमोइबा है, पैरामीशियम है और यूक्लिडा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स के उस पर जो कैटेगरीज हैं, नेक्स्ट जो है वो कौन सी है? क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन। क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? मैनी ऑर्गेनिजम्स लीव्स इन द फॉर्म ऑफ द कॉलोनी, दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। अब क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो एक साथ रहते हो, ठीक है, एक साथ रहते होंगे, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, एक साथ मिलजुल के रहते हैं, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते कि किसी और से खाना ले रहे हो या किसी और से हेल्प ले रहे हो, खुद ही लीव करते हैं, रहते एक साथ है लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, अपना काम खुद परफॉर्म करेंगे। क्लोनी ऑर्गेनाइजेशन ये वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें एग्जाम्पल है वॉलवर्क्स की। वॉलवर्क्स जो है एक ग्रीन एल्गा होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है कॉलोनी के फॉर्म में रहेगा, कॉलोनी के फॉर्म में रहता है, और तो और ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, खुद ही अपना खाना सब कुछ खुद बनाएंगे। यूनिसेल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? जिसमें अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होगा और एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। इसकी एग्जाम्पल में देखो अमोबा है और पैरामीशियम और यूक्लिडा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो इसकी दो थी, दो हमने इसकी पढ़ ली कैटेगरीज जो हमने डिवीजन की थी नंबर ऑफ सेल्स पे, यूनिसेलर हमने पढ़ लिया और कॉलोनियल टाइप है, ठीक है। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को और हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने पढ़ा था कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये एक टॉपिक है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेन पॉइंट है जो आपके पेपर में आता है, आपके एसएलओस में है और आपके एमसीक्यू से भी ये इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि क्लोनी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते वो, ठीक है। अब देखो जो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, अब वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब इसमें देखो हमने सबसे पहले आपको ये बता दें कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। यहाँ देखो डिवीजन ऑफ लेबर इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स विच कैम टूगेदर टू इंश्योर द सेल इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एज वेल एज परफॉर्मिंग इट्स ओन रोल इन द बॉडी। अब देखो डिविजन लेबर एक ऐसे क्रम है जो क्या हमें बताती है, स्पेशलाइज फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। अब सेल के अंदर हमने पढ़ा था जब हम ऑर्गन जो सेकेंड जो हमने लेवल पढ़ा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल ऑर्गेनिल्स का, उसमें देखो हमने ये पढ़ा था कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। वो टर्म जो हमें बता है कि हर एक ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बताए, दैट द स्पेशलाइज फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स विच कम टूगेदर टू एंश्योर द सेल इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग। जब वो सब मिल जाते हैं तो एक सेल है, सेल बनता है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है जो कि हमारे पास, अब वो सेल हमें पता चलेगा कि वो सेल द सेल इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एज वेल एज परफॉर्मिंग इट्स ओन रोल इन द बॉडी। अब वो जो सेल होगा वो खुद ही अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डिवीजन नंबर वो टर्म है जिसमें हम स्पेशलाइज फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्लोनियल टाइप में हमने पढ़ा कि क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, अब वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास एक साथ रहते हैं क्लोनियल टाइप में, हमारी बुक में जो लिखा हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। अब इनके अंदर देखो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक हमारे पास पॉइंट बताया गया है कि डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर बिकॉज दे कंटेन ओनली वन सेल, सो द सेल इज फोर्स टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अच्छी तरीके से इस चीज़ को देख लेना,
कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर का पूरा जो प्रोसेस है वो नहीं होता, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है, वो एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब डिवीजन ऑफ लेबर में क्या, हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन जो होता है वो पता था, लेकिन इसके अंदर तो सिर्फ एक ही सेल है और एक ही सेल है, तो एक ही सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है। इस वजह से हमारे अंदर यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है, ये डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट है, ये एसलोज में भी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो देखो मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि थर्ड हमारे पास मेन कैटेगरीज में, इसमें क्या है, दे कंटेन मैनी सेल्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हों। एक सेल वाले कौन से, यूनिसेल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म्स, और मल्टी सेलर कौन से जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हो। अब एग्जाम्पल्स में क्या है, इसमें एनिमल्स और प्लांट्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा वो। और इसके अंदर देखो जो हमारे पास मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म्स हैं इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर का फंक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर का जो होता है वो सारा होता है। कैसे होता है, अब देखो मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन से, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म से एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट से हर एक सेल का प्रॉपर फंक्शन होगा, हर एक सेल अपना अपना काम करेगा, तो एक ही सेल के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, एक ही सेल सारे काम नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे सेल से एक सेल का अपना फंक्शन होगा, दूसरे सेल का अपना फंक्शन होगा, इसी तरह पूरी बॉडी को ये लोग कंट्रोल करेंगे, पूरी बॉडी वर्कआउट करेगी। लेकिन जो हमारे पास यूनिसेल ऑर्गेनाइजम्स हैं उनके अंदर क्या है, एक ही सेल है, सारा काम उसी ने करना है, सारे फंक्शंस इसी ने ही करने हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। आई होप यहाँ पे आपको जो मेन कैटेगरीज थी यूनिसेल और मल्टी सेल और क्लोनियल टाइप और डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हमारे यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक था हमने काफ़ी हद तक इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके नेक्स्ट में जो हमने पढ़ना है उसमें मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास इनकी इसी की दो एग्जांपल्स हैं, एक मस्टर्ड प्लांट है और एक फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि हमने बोला मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें प्लांट्स एनिमल्स की एग्जाम्पल है। प्लांट में हम मस्टर्ड प्लांट के बारे में, अगर हम एक प्लांट के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास यूनिसेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक प्लांट को हम स्टडी करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है। और एनिमल्स के अंदर हम फ्रॉग के स्टडी करेंगे जो भी एक मल्टी सेलर एनिमल है। ठीक है, फ्रॉग के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ टाइप सिमिलर होते हैं ह्यूमन से। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रॉग को स्टडी करते हैं ताकि हमें आगे ह्यूमन के जो ऑर्गन्स को स्टडी करने में ईजी हो। आई होप आपको यहाँ से सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। पहले हमने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ा कि हर एक सेल का स्पेशल फंक्शन होता है, वो परफॉर्म करता है, इसको हम ये कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का फंक्शन कहते हैं। और क्लोनियल टाइप के अंदर यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इनका सिर्फ अंदर एक ही सेल होता है, इसलिए हर सारा काम सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है, जो डिवीजन ऑफ लेबर उसमें नहीं होता, इनमें नहीं होता। जो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, हर एक सेल अपना अपना काम परफॉर्म करता है, सही है, तो इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर का प्रोसेस होता है। और इसके अंदर आगे एग्जाम्पल में हमने पढ़ना है मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम बस एग्जांपल दी हुई है बुक में, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में हमने स्टडी करना है कि मस्टर्ड प्लांट के बारे में हमने पढ़ना है और फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब मस्टर्ड प्लांट क्या है, मस्टर्ड प्लांट इसका जो साइंटिफिक नेम है ना वो है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। ये आपको एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, तो आप उसमें लिखोगे ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, और क्या है, अब इसके अंदर और क्या डिटेल में हमें चीज़ें पढ़नी है, इसके इस प्लांट के अंदर जो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, अब वेजिटेटिव, ये एक हमारे पास वेजिटेटिव प्लांट है। क्यों वेजिटेटिव प्लांट है, द बॉडी इज़ यूज एज अ वेजिटेबल, इसको हम अपने वेजिटेबल इसको हम यूज़ करते हैं, खाते हैं। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट को। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो इसके ऑर्गन्स हैं, इस प्लांट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं
उसको हमें बताना है कि इसमें जो हाफ ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, और नहीं एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और एक दूसरा क्या है वेजिटेटिव ऑर्गन्स है, इसको हमने डिफरेंस बताना है कि कौन कौन से वेजिटेटिव हैं कौन कौन से रिप्रोडक्टिव हैं। अब देखो ऑर्गन्स के अंदर, एक प्लांट के अंदर अगर हम ऑर्गन्स को देखें तो एक प्लांट के अंदर कौन कौन से होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होता है, ब्रांचेस, रूट्स, फ्लावर्स। देखो ये डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स है, ये फ्लावर्स है, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस जो होती है ना, वो हमारे पास देखो बेटा इसमें जो हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, मस्टर्ड प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स हैं इसका स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका कौन सा है, फ्लावर। अब देखो वेजिटेटिव पार्ट्स हमारे पास वो है जो हम एज अ वेजिटेबल हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके जो इसकी पूरी बॉडी को हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते, ठीक है, ये हमारे रिप्रोडक्शन में काम नहीं आते। अगर न्यू प्लांट हमें ग्रो करवाना है तो इनका हम यूज़ नहीं करते। रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो क्या है, फ्लावर है। एक फ्लावर से ही हमारे पास, ये हमारे पास मेन जो है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसी से ही, इसी के थ्रू इनके ऊपर जो पॉलिंग ग्रेन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू ही हमारे पास एक न्यू प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। अब जो हमने मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ा कि मस्टर्ड प्लांट के जो साइंटिफिक नेम है वो ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस है, ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए। इसकी बॉडी को हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। दूसरी मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो कौन कौन से इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वो लीव्स हैं, इसके स्टेम हैं, इसके रूट्स हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट करता है, ठीक, वो हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और देखो दिस प्लांट इज प्रोड्यूस इन विंटर सीजन में, हमारे पास प्रोड्यूस होता है, एंड इट प्रोड्यूस इट्स सीड्स इन विंटर सीजन, इट्स बॉडी इज यूज एज अ वेजिटेबल। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि इसकी बॉडी को हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल, और क्या है इसके सीड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके सीड्स से हम एंड वी यूज इट्स सीड्स टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। इससे हम ऑयल भी, हमारे पास जो मस्टर्ड का जो ऑयल होता है वो भी हम इससे निकालते हैं, इसकी सीड से हम ऑयल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो था वो हमारे पास मस्टर्ड प्लांट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी जिसकी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, उसमें प्लांट्स के अंदर एक एग्जाम्पल हमने उठाई थी जो कि हमारी बुक में है, हमारे कोर्स में है। वेजिटेटिव प्लांट है, वेजिटेबल्स के इसकी बॉडी को एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर है, जो इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो लीव्स, स्टेम और रूट्स हैं, ठीक है। और जो ये प्लांट है जो ये प्रोड्यूस होता है विंटर सीजन में, और क्या चीज़ है, इसको हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं, और इसके जो सीड्स होते हैं इससे हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो मस्टर्ड प्लांट था ये कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फ्रॉग है। अब देखो हमने एनिमल्स के बारे, प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल, दूसरी एनिमल्स में हमने फ्रॉग की एग्जाम्पल पढ़ ली है। फ्रॉग क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो राना टिग्रिना है। ये साइंटिफिक नेम्स आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछेंगे और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो राना टिग्रिना है। इसकी इनकी स्पेलिंग्स को सही से बुक से याद कर लेना, देख लेना बुक में इनकी स्पेलिंग सही से लिखी हुई है, अगर आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है तो बुक से सही से देख लेना। और फ्रॉग के बारे में क्या है, एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हमने मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी एग्जाम्पल को हम पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पूरा प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या है, ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, किडनीज, अब ये सारी चीज़ें ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और फ्रॉग के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम फ्रॉग को प्रैक्टिकल्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्टडी से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि अगर हम बाद में ह्यूमंस के बारे में स्टडी करें, ह्यूमंस के जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन्स के, इसी के ऑर्गन के जो फंक्शन होते हैं बिल्कुल इसके सिमिलर होते हैं कि ये हमारे पास, इसलिए हम फ्रॉग को इसको स्टडी करते हैं। इसके अंदर वही हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ऑर्गन देखो ब्रेन प्रेजेंट है, लीवर है, हार्ट है, किडनीज है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि ऑर्गन्स किससे बने होते हैं, टिश्यू से मिलकर बने हैं। अब ये ऑर्गन्स जो हैं इसके अंदर ये जो हैं ये किस कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बने हुए, वो कौन से एपिथेलियल टिश्यू से, मस्कुलर टिश्यू से और नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यूज होंगे वो ब्रेन के टिश्यूज होंगे, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू हमारे मसल्स के टिश्यूज होंगे। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमने पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी जब हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़े थे, मैंने आपको बताया था। एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू जो होता है प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, ठीक है।
यहाँ तक आई हूँ आपको एक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फ्रॉक के बारे में हमने पढ़ा है, साइंटिफिक में राना टिग्रिना है और ये मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेन, लिवर, हार्ट, किडनी है, और जो इसके ऑर्गन्स बने हुए होते हैं स्पेसिफिक टिश्यू से वो कौन से हैं, एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर है, नर्वस टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं जो हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मसल से प्रेजेंट होते हैं, नर्वस जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई इस टॉपिक के बारे में, इस लेक्चर के बारे में अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिपीट कर दूँगी, समझा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।